हर साल लगने वाला रामलीला मेला इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। मेले की अंतिम तैयारियां होनी थी, लेकिन नगर पालिका का असमंजस की स्थिति मेला लगाने को लेकर बनी हुई है। इस साल मेला नहीं लगता है तो 75 साल से चली आ रही परंपरा इस साल टूटी जाएगी। शहर का रामलीला मेला दिसंबर के 25 तारीख से प्रारंभ होता है, लेकिन इस बार का रामलीला मेला नहीं लगाया जाएगा क्योंकि नगर पालिका के अधिकारी अभी भी असमंजस की स्थिति में है। संपर्क करूंगा और कलेक्टर महोदय से वो चर्चा करेंगे। विदिशा का शायद पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है कि विदिशा का नहीं लग रहा कोरोना के कारण, तो हो सकता है इधर का भी मतलब कैंसिल की स्थिति में हो। अभी निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि लगेगा या नहीं लगेगा। 18 तारीख को पहले तो आप ये समझिए कि जो मेला आखिर आयोजन का माने उद्देश्य क्या है कि ये एक प्रकार से सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहे हैं। मेले या त्यौहार जो होते हैं वो हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर प्राचीन काल से ही मेले का आयोजन इसलिए किया जाता ताकि आसपास के लोग व्यापारिक दृष्टि से और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जैसे पारंपरिक जो हमारी खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी, सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, रामलीला हो चाहे रासलीला हो, चाहे जैसे कबड्डी प्रतियोगिता है, दंगल है, इनके आयोजन करने के लिए, ताकि बरसात के बाद लगभग मेले लगते थे और उनके माध्यम से सारे क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधने का मेला काम करते थे। लेकिन कालांतर में कुछ समय पश्चात मेलों का स्वरूप बदला, मेले सांस्कृतिक कम व्यावसायिक ज़्यादा हो गए। आज अगर हम देखें ग्वालियर का मेला या विदिशा का या कहीं और का बड़ा मेले देखते हैं तो वो व्यावसायिक मेले हैं, लेकिन फिर भी उसमें सांस्कृतिक एकता के भाव प्रकट हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो मेला लग रहा है इसको 75 साल के करीब होने को है, लेकिन इस बार कोरोना ने ऐसा व्यवधान डाला है कि जिस पर प्रशासन असमंजस की स्थिति में मेला लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। हमारे जब मेला लगता था तो उसके लगभग मैंने दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई तैयारियां नहीं दिख रही हैं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा दुखद पहलू सामने आता है कि हम अपनी संस्कृति से कहीं दूर हो रहे हैं। कई सालों परंपरा टूटती नजर आ रही है। लोगों का ये भी मानना है कि मेला की रामलीला मंचन हो जाए तो उस परंपरा को कायम रखा जा सकता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन गंजबासुदा में श्री रामलीला मेला पिछले 75 वर्षों से लगातार लग रहा था, परंतु इस वर्ष कोरोना संकट के चलते श्री रामलीला मेला को स्थगित कर दिया गया है। मेरे हिसाब से श्री रामलीला मेला में रामलीला का मंचन तो किया जा सकता है। अगर रामलीला का मंचन होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो पुरानी परंपरा है वो बनी रहेगी और वो रहना चाहिए। ऐसा मैंने नगर पालिका के CMO तथा अन्य जो लोग हैं नगर के गणमान्य नागरिक उनसे भी मैंने चर्चा की कि भाई वो पुरानी परंपरा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि श्री रामलीला बुलवाई जाए और उसका मंचन उस प्रांगण में हो। रामलीला मेला की आवश्यकता क्यों रही और कैसे पड़ी, किस लिए लगाया जाता है रामलीला? श्री रामलीला मेला में श्री रामलीला का ही सबसे बड़ा महत्व है, उन्हीं के नाम से श्री रामलीला मेला लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में तथा शहरी जो है श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं।